आपके साथ। टीम इंडिया ने एक बार फिर आईसीसी ट्रॉफी जीतने का मौका गवा दिया। रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। यह 2013 के बाद से नवा मौका है जब भारतीय टीम ने सेमीफाइनल या फाइनल मैच हारकर खिताब जीतने का मौका गवाया है। पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाने वाली भारतीय टीम अहम मैचों में अचानक से चोट क्यों कर जाती है? इस सवाल का जवाब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से मिलता है। भारतीय टीम के साथ फाइनल में जो हुआ उसे खेल और खिलाड़ियों का विश्लेषण करने वाले मनोवैज्ञानिक फियर ऑफ फेलियर कहते हैं, यानी हार का खौफ। फियर ऑफ फेलियर एक ऐसी अवस्था है जिसमें लोग ऐसा कोई फैसला नहीं लेते जिसमें हार की संभावना हो। वो न तो नई चीज़ ट्राई करते हैं और न ही रिस्क लेना चाहते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट करणवीर सिंह और मेंटल कोच प्रकाश राव के मुताबिक बड़े मैच में प्रेशर होता ही है। अगर खिलाड़ी मैच को चैलेंज की तरह लेते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स की संभावना ज़्यादा होती है और अगर थ्रेट की तरह खेलेंगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। भारतीय खिलाड़ियों के एटीट्यूड से साफ जाहिर था कि वे इस मुकाबले को थ्रेट की तरह ले गए। करणवीर सिंह कहते हैं, खिलाड़ी जब भी सोचता है कि फैंस क्या बोलेंगे, कोच क्या सोचेगा, हार गए तो क्या होगा, ऐसे विचार प्रेशर डालते हैं। इनकी वजह से खिलाड़ियों ने जो न्यूरल पाथवेज डेवलप किए हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। मसल मेमोरी शॉर्ट टर्म के लिए मिटने लगती है और खिलाड़ी ब्लैकआउट हो जाता है। ब्लैकआउट होने पर सिचुएशन के मुताबिक फैसले नहीं ले पाता। खिलाड़ी को रूटीन मोशन पाने में भी दिक्कत होती है। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।